देश में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रेल पटरी पर दौड़ी। पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ था। आज मैं लिए चलता हूँ आपको भारत में स्थित 6 रेल संग्रहालयों में से एक 1906 में बने हावड़ा रेल संग्रहालय की ओर, और क्या क्या संरक्षित रखा गया है रेल संग्रहालय के भीतर, आइए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ अरविंद शुक्ला, आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। आज की वीडियो में एक नई वीडियो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ट्रेन था हावड़ा स्टेशन से वो ठीक 1 बजे था, जो कि 5 घंटे 50 मिनट डिले है। इस बीच हमने सोचा यहाँ पे स्टेशन पे बैठ के करना क्या है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे रेलवे का म्यूजियम है, म्यूजियम घूम के आ जाएँ और आपको तरह तरह की जो रेल है, किस तरह से जो रेलें यहाँ पे थी उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इस समय हम हैं हावड़ा रेल म्यूजियम में, चारों तरफ से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की पहले रेल यहाँ पे चलती थी और किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो गया है। आज कई तरह से मैं देख रहा हूँ इधर में, जैसे कि रेल पे जो सिग्नल होते थे, सिग्नल पे हाथ से आदमी सिग्नल करता था, सिग्नल डाउन करता था, लेकिन आज कंप्यूटराइज युग हो गया है, सब ऑटोमेटिक हो चुका है। मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे तरह तरह की रेलें हैं, रक्षा संग्रहालय किया हुआ है। एक समय था जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, और देख लीजिए किस तरह से ये इंजन थे, मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक एक करके आपको मैं दिखा दूँ, पूरे इंजन के जो मॉडल हैं सब यहाँ पे रखे हुए हैं। सर, जब लीलवा से मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के जो डिब्बे बने थे तो इसी आधार पर बने थे, और ये जो मॉडल बनाया हुआ है इसमें लग्जरियस हम कह सकते हैं ये है, क्योंकि इसके अंदर जो मोबाइल सेवा या इत्यादि जो दूर संचार व्यवस्था है इसी के अंदर रहता होगा। ये है YG क्लास का लोकोमोटिव मॉडल, आप देख सकते हैं। इसको उस समय अश्वशक्ति के नाम से भी जाना जाता था। ये माल ढुलाई के लिए अधिक से अधिक वजन जो होता था इसके इसी के थ्रू जो है जाया जाता था। दोस्तों, इससे बिजली भी उत्पन्न करी जाती जा सकती थी। ये जो टॉय ट्रेन के जैसे है, ये आजकल ये ट्रेनें जो है दार्जिलिंग क्षेत्र में चलती हैं। दार्जिलिंग में यही ट्रेन आपको देखने को मिल सकती हैं। आप देख लीजिए, इसकी पटरी भी बिल्कुल छोटी होती है। डबल डेकर जो कोच है ये 19वीं सदी का है। इसके साथ आप देख लीजिए यहीं पर जो एसी का जो आया था, फर्स्ट क्लास का जो कोच बना था, ये देख लीजिए, ये एसी फर्स्ट क्लास का मॉडल है। ये डबल डेकर जो कोच था ये 19वीं सदी का कोच बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह का मॉडल था 19वीं सदी में। और इसके ये सामने चक्के हैं, ये अलग अलग चक्के जो हैं भाप के इंजन के, रेल मालगाड़ी के या सवारी गाड़ी के अलग अलग तरह के चक्के थे, ये रखे हुए हैं यहाँ। ये है रेल फाटक, जब पटरी ट्रेन दौड़ती है तो बीच में रेल फाटक होते हैं, इनको तभी क्रॉस करना चाहिए जब फाटक ऊपर हो, ऑन हो, अन्यथा खतरा हो सकता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टॉय ट्रेन है, ये जो म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, इसमें बैठ करके आप चारों जगह से कवरेजिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका किराया मात्र 30 रुपये निर्धारित किया गया है। ऐसी ट्रेनें भारत में अब 5 जगह टॉय ट्रेनें चलती हैं, दार्जिलिंग, महाराष्ट्र, शिमला इत्यादि। ये आप देख लीजिए, ये है सिग्नल, पहले इन्हीं के सारे सिग्नल दिया जाता था, हाथ से ये मूव करने पड़ते थे। आज देख लीजिए कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा है।
पहले भाप से इंजन चला, फिर डीजल से इंजन चला और अब इलेक्ट्रिक इंजन हो चुके हैं। ये जो ट्रेन है ये पूरी पाकिस्तान की ट्रेन है। जो बांग्लादेश है वो कभी पाकिस्तान के अंडर में था। जब 1971 के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हुआ गेदे, तो गेदे में ये ट्रेन थी, तो गेदे में ये ट्रेन छूट गई और इसे पश्चिम बंगाल में हावड़ा रेल म्यूजियम में संग्रहित कर दिया गया। ये है डीजल इंजन, आप देख सकते हैं। यह है इंद्रप्रस्थ इंजन। ये रेल जो है ये 1959 की रेल है और पूर्वी आसनसोल ने इसको जो बनाया था और रेल को समर्पित किया था। यह है क्रेन। यहाँ पे करी सब तरह की जो पुरानी रेल थी किस तरह से यहाँ पे रेल की व्यवस्था हुई, किस तरह से जो रेल आज हमारे भारतवर्ष में है और किस तरह से पहले रेल थी, क्या हुआ है, संरक्षित क्या हुआ है, जो हेरिटेज हम कह सकते हैं हेरिटेज है, पूरी अलग अलग तरह की जो ट्रेन है या इंजन बोगी जिस तरह की है सब यहाँ पे रखा हुआ है और ये रेलवे ने संभाल के रखा हुआ है, संजोए रखा हुआ है। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये भाप युग का एक प्रतीक है। 1917 की ट्रेन है। आप सोच सकते हैं कि 1917 से लगभग 105 साल इसको हो गए हैं। 105 साल पहले इस तरह की ट्रेनें यहाँ उतर हुआ करती थी। भाप इंजन हम कह सकते हैं, भाप के द्वारा ये चलता था। आज देख लीजिए कंप्यूटर युग हो गया, तरह तरह के जो नए मॉडिफिकेशन आ गए हैं, नए नए आविष्कार हो गए हैं और कितनी सुविधाजनक हो गया है। पहले किस तरह से ये ट्रेनें चलती थी, किस तरह से लोग सफ़र करते थे, आप खुद ही इन ट्रेनों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं बाहर रेल म्यूजियम से। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।